सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब से हादसा हुआ है तब से फैंस का कहना सिर्फ एक है कि सुशांत के साथ साजिश की गई और बंद कमरे में सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक खुलकर किसी के भी सामने नहीं आया। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस केस को सीबीआई जांच पर सौंप दिया जाए और सच का पता लगाया जाए। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो 14 जून की वायरल हो रही है। ये वीडियो तब की है जब सुशांत के घर से सुशांत की बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा था और ऐसे में एक लड़की कैप्चर हुई जिसने ब्लू और वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर के मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ था, पोनी टेल बनाई हुई थी और ये यहाँ पर सुशांत के स्टाफ से बात कर रही थी। जब इस लड़की पर सुशांत के परिवार वालों की नज़र पड़ी और उन्होंने मांग की कि इस लड़की की छानबीन की जाए, तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर खबर ये वायरल हो रही है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती ही है जो मास्क पहनकर इन कपड़ों में पहुंची थी देखने कि आखिर क्या कुछ सुशांत के साथ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ, क्या सबूत है यहाँ पर और क्या सबूत नहीं। आपको बता दें कि खबर ये भी वायरल हुई थी कि जब यहाँ पर एक व्हाइट कलर की कैप वाला शख्स जिसने सुशांत की बॉडी को पकड़ा हुआ था, उस शख्स के पास एक ब्लैक कलर का बैग था। जब ये लड़की उस शख्स के पास पहुंची तो वो ब्लैक कलर का बैग उस लड़के के हाथ से गायब था। ये जो लड़का था ये एम्बुलेंस का ही वो शख्स था जो एम्बुलेंस के साथ आया था सुशांत की बॉडी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बता दें कि अब यहाँ पर इस लड़की के पहुँचते ही वो ब्लैक कलर का बैग गायब हो गया और ऐसे में बताया जा रहा है कि इस लड़की ने ही वो ब्लैक कलर का बैग गायब किया है, क्योंकि जब मीडिया इस लड़की को कवर करने लगी तो ये वहाँ से भागते हुए फरार होती हुई नजर आई। और अब बोला जा रहा है कि ये लड़की कोई और नहीं रिया चक्रवर्ती ही थी, जहाँ पर एक तरफ रिया चक्रवर्ती की झुकी हुई आंखों के साथ मास्क पहने हुए एक तस्वीर सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की भी तस्वीर मास्क पहने हुए झुकी हुई नजर के साथ सामने आई है और बताया जा रहा है कि दोनों एक ही है और ये रिया चक्रवर्ती ही है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लड़की जी रिया चक्रवर्ती है या फिर कोई और। नेक्स्ट नाइन लाइव सरोजनी की रिपोर्ट।